रीडिंग पैसेज वन अ क्रॉनिकल ऑफ टाइम कीपिंग सो क्रॉनिकल होता है अक्रस ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन टाइम सो उसको क्रोन मीन्स टाइम सो टाइम के बेस पे जो अक्रेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उनको हम क्रॉनिकल बोलते हैं किसके टाइम कीपिंग टाइम कीपिंग मीन्स हम uh, इसे वॉच कंसिडर कर सकते हैं सो अवर कंसेप्शन ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द वे वी मेजर इट ठीक है सो so हमारी जो कंसेप्शन है टाइम की कि हम टाइम uh, कैसे समझते हैं वो डिपेंड करता है हम उसको मेजर कैसे करते हैं ए, अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल एविडेंस एट लीस्ट फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो एंड लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ द रोमन एम्पायर द बेबी लोनीस बिगेन टू मेजर टाइम ठीक है सो so, सबसे पहले कि उन्होंने टाइम को मेजर करना शुरू किया बेबी इंट्रोड्यूसिंग कैलेंडर टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन एक्ट कम्युनिकल कम्यूनल एक्टिविटीज़ ठीक है उन्होंने कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया कोऑर्डिनेट करने के लिए कम्युनल एक्टिविटीज़ अपने आस पास सब लोगों की कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए टू प्लान द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड इन पर्टिकुलर टू रेगुलेट प्लानिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ठीक है सो ये सब कुछ प्लान करने के लिए सो उन्होंने टाइम को स्टार्ट किया मतलब एडवेंट किया और कैलेंडर्स को इंट्रोड्यूस uh, किया दे बेस्ड देयर कैलेंडर्स ऑन थ्री नेचुरल साइकिल्स ठीक है सो so, उनके तीन नेचुरल साइकिल्स होते थे कैलेंडर के द सोलर डे मार्क्ड बाय द सक्सेसिव पीरियड ऑफ लाइट्स एंड डार्कनेस एट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ठीक है सोलर डे होता था जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे दिन और रात होता है द लूनर मंथ लूनर मीन्स मून फॉलोइंग द फेज ऑफ द मून एज इट ऑर्बिट्स द अर्थ ठीक है अर्थ को ऑर्बिट करता है मून उसके हिसाब से एंड द सोलर ईयर डिफाइन्स बाय द चेंजिंग सीजन्स दैट अ कंपनी अवर प्लान रेवोल्यूशन अराउंड द सन सो सोलर डे लूनर मंथ एंड सोलर ईयर ठीक है जो सीजन हैं उनके जो जैसे चेंज होते थे उसके हिसाब से वे वो डिफाइन करते थे रेवोल्यूशन अराउंड द सन तो वो सोलर ईयर हो गया सोलर डे जो दिन रात है और लूनर मंथ मतलब एक पूरा चंद्रमा का जो सर्कल है वो हो गया तो दैट मीन्स वो मंथ हो गया एक्सिस पे अगर घूम गया तो ठीक so, है वो पूरा अर्थ को ऑर्बिट कर लेगा तो लूनर मंथ हो जाएगा सो नेक्स्ट इज ओके सो इसके बेस पे अगर क्वेश्चन देखिए रीड पैसेज वन ए टू बी पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ओके ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर सो यहाँ पे अभी कहीं कोल्ड टेम्परेचर की बात तो हुई नहीं है कोल्ड टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट uh, होता था टाइम कीपिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ द कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज़ जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस विल सी डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ पेंडुलम क्लॉक सो पेंडुलम क्लॉक की भी बात नहीं हुई द डिफरेंट सोसाइटीजर सोसाइटीज की बात भी नहीं हुई उनके सेमिलटेनियक्शन दे डिजर्व लिस्ट द नेशनलिटीज ओके ओके बेबी लूनिज का यहां पर एक क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ने डिवाइज डे सिविल कैलेंडर इन विच द मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ सो मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ ऐसा तो कुछ नहीं बताया यहाँ पे दे डिवाइडेड द डे इंटू टू इक्वल पा इक्वल हाफ्स डे को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया दे डेवलप्ड ए न्यू कैबिनेट शेप फॉर ए टाइप ऑफ टाइम कीपर सो एक कैबिनेट शेप बनाई

Okay. <clears throat> Before the invention of the artificial light, uh, artificial light means bulb ki inventions the moon had greater social impact. So moon ka coffee social impact. Tha. And for those living near the equator in particular, its waxing and waning were more conspicuous than the passing of the Seasons. S hence, the calendar that were developed at the lower altitudes were influenced more by the lunar cycle than by the solar year. In more nor northern cli uh, climates or maybe climes, uh, however, where seasonal agriculture was practiced, the solar year became more crucial. As the Roman Empire expanded northward, it organized its actively activity charts for the most part around the solar year. ठीक है so moon को इन्होंने बताया कि basically moon की ज्यादा importance थी उसके base पे ये organize करते थे Okay, geography के base पे ठीक है so answer is B. So ये geography के base पे मैं answer क्यों दे रहा हूं क्योंकि इसमें बताया कि जैसे northern part में uh, किसका ज़्यादा इम्पैक्ट था सनलाइट का सो द मून है ग्रेटर सोशल इम्पैक्ट लेकिन फॉर लिविंग नियर द इक्वेटर उनके लिए डिफरेंट चीज़ें हो जाती थी हैंस द कैलेंडर वर डेवलप्ड एट द लोअर एल्टीट्यूड्स वर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय लूनर साइकिल्स बाय द सोलर ईयरस तो जो इक्वेटर के पास रहते थे उनके लिए लूनर Uh, जो यर uh, था लूनर साइकल्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सो जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती थी उसी हिसाब से वो uh, जो टाइमिंग थी उनके कैलेंडर की वो चेंज हो जाती थी ओके सेंचुरीज बिफोर द रोमन एम्पायर

Egyptians. They divided day into equal calendar in which months were equal in length. Yes. So, this is बोल the answer is B. So, Egyptians. Then, at the rise of the sun, uh, Cyrus, just before sunrise, which occurred around the all important annual foldings of the nile 12 deacons could be seen spanning the heavens okay the cosmic significance uh, the cosmic significance the cosmic cosmic means uh, universe ka. so a significance uh, the egyptians place in the 12 deacons led them to develop a system in which each interval of darkness लेटर ईच इंटरवल ऑफ डे लाइट वॉज डिवाइडेड इन टू ए डजन इक्वल पार्ट ठीक है सो so, जिप्टियंस ने उनको इक्वल पार्ट्स में डजन मतलब बारह इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था दीज पीरियड्स बिकेम नोन एज द टेम्पोरल आर्स बिकॉज देयर ड्यूरेशन वेर इट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स विद द पासिंग ऑफ द सीजन समर आर्स वर लॉन्ग ठीक है विंटर आर्ट विंटर वन शॉर्ट ओनली एट द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्वेनॉम्स द आर्स ऑफ डी लाइट एंड डार्कनेस इक्वल ओके टेम्पोरल आर्ट्स विच वर फर्स्ट अडॉप्टड बाई द ग्रीक एंड देन बाय द रोम देन द रोमन्स इमिनेटेड डिसमिनेटेड दैम थ्रू यूरोप रिमेन इन यूज फॉर मोर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स ठीक है तो पहले जो इजिप्टियन ग्रीक्स के बाद थे फिर रोमन्स के बाद चले गए फिर वो यूरोप में आए तो वो कम से कम पच्चीसों uh, uh, साल तक रहे इन ऑर्डर टू ट्रैक टेम्पोरल आर्ट्स ड्यूरिंग द डे इन्वेंटर्स क्रिएटेड सन डायल्स ओके विच इंडिकेट्स टाइम बाय द लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सन्स शेडो ठीक है सो लेंथ और डायरेक्शन ऑफ द सन्स शेडो के हिसाब से वो टाइम बताते थे द सन डायल काउंटर पार्ट्स द वाटर क्लॉक वॉज द सन डायल्स काउंटर पार्ट द वॉटर क्लॉक वॉज डिजाइन टू मेजर टेम्पोरल आर्स एट नाइट ठीक है सो so, सुबह में सन शेडो को यूज़ करते थे रात को वाटर क्लॉक uh, था जो टेम्पोरल आर्स एट नाइट सो मेजर करता था टेम्परेचर के हिसाब से आउट ऑफ द फर्स्ट वाटर क्लॉक वॉज ए बेसिन विद ए स्मॉल होल नीयर द बॉटम थ्रो विच द वॉटर डिप्ड आउट ठीक है so the falling water level denoted the passing hours as it dipped below hours line uh, uh, inscribed on the inner surface although these devices performed satisfactorily around the mediterranean they could not always be dependent on the cloudy and often freezing weather of northern europe ठीक है हालांकि ये मेडिटेरियन में तो काफ़ी ये सक्सेसफुल था लेकिन इनको क्लाउडी या फ्रीजी वेदर में ऑफ नॉर्दर्न यूरोप में ये बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता था तो ये ठीक है सो so, ये बता सकते हैं सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन इफेक्टेड बाई कोल्ड टेम्परेचर ठीक है सो आंसर इज डी सो ये डी पैराग्राफ में है नेक्स्ट Pendulum clock or simultaneous effort of different societies. The advent, the advent of the mechanical clock meant that although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally shift, suited to keeping equal ones. सो मैकेनिकल कॉल क्लॉक जो है उसके आने से सो सो उसको एडजस्ट किया जा सकता था इट इज नैचुरल शूटेड टू कीप इक्वल वंस कीपिंग इक्वल वंस विद दीस हाउ एवर अक्रॉस द क्वेश्चन ऑफ वेन टू बिगिन काउंटिंग एंड सो इन द अर्ली फोर्टीन सेंचुरी नंबर ऑफ सिस्टम इवॉल्ड द स्कीम दैट डिवाइडेड द डे इन टू ट्वेंटी फोर इक्वल Uh, according to the start of the count, Italian hours begin at sunset, Babylonian hours at sunrise, uh, uh, atromonical uh, hours at mid uh, midday, and great clock hours used for some large public clocks in Germany at midnight. Eventually, these were suspended by small clocks or French hours, which split the day into 12 hours period. कमेंसिंग एट मिड नाइट ओके फ्रेंच आर्स थे जिन्होंने ओके टू इक्ल हाफ डे को दो हाँ, भागों में बांट दिया था सो फ्रेंच फ्रेंच मतलब द आंसर इज एफ और यहीं पर हमें पता लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज uh, हैं साइमल्टेनियस एफर्ट्स लगाए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज ने टू कैलकुलेट यूजिंग कैलकुलेट टाइम यूजिंग यूनिफॉर्म आर्स ठीक है सो आंसर इज एफ सॉरी ई और एफ सो आई वॉज रीडिंग दिस वन, यस ई सो आंसर इज ई सो ई आ जाएगा फोर्थ का आंसर ओके सो फ्रेंच का हमें पता लग गया ठीक है न्यू कैबिनेट शिप सो नेक्स्ट विल सी द इजिएस्ट रिकॉर्ड वेट ड्रिवन मैकेनिकल क्लॉक वॉज बिल्ड इन द अर्एस्ट सॉरी रिकॉर्डेड वेट Uh, driven mechanical clock was built in 9, 1283 so earliest joe recorded weight driven mechanical clock this uh, time in bradford shrine in england the revolutionary aspect of this new timekeeping was neither the uh, disc, uh, descending weight that provided its move force nor the gear wheel which had been around for at least 1300 years तो ये मतलब ना ही डिसेंडिंग वेट था दैट प्रोवाइड इट्स मूव फोर्स मोटिव फोर्स दैट प्रोवाइडेड इट्स मोटिव फोर्स और ना ही यह गेयर व्हील था जो तेरह सौ साल तक चला दैट ट्रांसफर द पावर ठीक है इट वॉज द पार्ट कॉल्ड द एस्केपमेंट सो एक ये एक पार्ट था जिसका मतलब था एस्केपमेंट तो एक डिफरेंट तरह का था

जो मेंटेन करता था कांस्टेंट फोर्स इन द गियर व्हील ऑफ द टाइम कीपर ठीक है बट द पेंडुलम स्वंग इन ए लार्ज आर्क एंड दस वाज नॉट वेरी इफेक्टिव लेकिन ये बहुत बड़ी आर्क में घूम स्वांग करता था इसलिए बहुत इफेक्टिव नहीं था सो थर्ड पेंडुलम क्लॉक का हमें पता लगे आंसर इज एफ सो डी बी एफ ई ये हो गया था बी एफ सो ये न्यू कैबिनेट शेप So it can be. Who's next? Two minute Okay. Next, G. To address this, to address this, a variation of the on the original escapement was invented in 9, 1670 in England. ओके okay, इसको ड्रेस करने के लिए वेरिएशन बनाया गया ओरिजिनल स्केपमेंट का इन्वेंट किया गया 1670 में इन इंग्लैंड इट वाज कॉल्ड द एंकर एस्केपमेंट विच वाज ए लेवल बेस्ड डिवाइस शेप्ड लाइक ए शिप्स एंकर तो ये देख लेते हैं सो so, उसको एंकर एस्केपमेंट बोला जाता था उसको मतलब जो एक नया डिवाइस बनाया गया सो इट वॉज अ लेवल बेस्ड डिवाइस शेप लाइक ए शिप्स एंकर तो इसकी शेप कैसी थी शिप्स एंकर की द मोशन ऑफ द पैंडलम रॉक्स दिस डिवाइस सो दैट इट कैच एंड देन रिलीजेज ईच टूथ ऑफ द एस्केप व्हील इन टर्न अलाउंग इट टू टर्न ए प्रोसाइज अमाउंट सो ये हमारे पास जो डायग्राम है हम उसको चेक करते हैं हावर देन नाइनटीन सेवेंटी यही है टाइम पीरियड लेवल बेस्ड डिवाइस वॉक ठीक है तो एस्केपमेंट रिजेंबलिंग विच वॉज लेवल बेस्ड डिवाइस शेप्ड लाइक ए शिप्स एंकर सो हम इसका जो आंसर देंगे सॉरी इसका जो आंसर देंगे वो होगा शिप्स एंकर the motion of the pendulum rocks this device so that it catches and then releases each tooth of the escape wheel so iska answer hoga, escape wheel or iska answer tut. tooth स्मॉल आर्क ए डैश विच बीट्स ईच डैश चलो ओके सो हेयर वी हैव डिफाइंड वो क्या रिलीज करता था टुथ ऑफ द्हील इन टर्न अलाउंग इट टू टर्न ए प्रिसाइज अमाउंट अनलाइक द ओरिजिनल फॉर्म यूज इन अर्ली पेंडोलम क्लॉक द एंकर एस्केपम परमिट द पेंडलम टू ट्रेवल इन ए वेरी स्मॉल आर्क ओके ये बहुत ही छोटी आर्क में ये रोटेट करता था मतलब इसका जो बहुत फास्ट नहीं था छोटी स्पेस ले लेता था स्मॉल आर्क मोर ओवर दिस इन्वेंशन अलाउड द यूज ऑफ लॉन्ग पेंडुलम विच कुड बीट वंस ए सेकेंड एंड दस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू फ्लोर स्टैंडिंग केस डिजाइन तो ये है फिर फ्लोर स्टैंडिंग केस विच बिकेम नोन एज द ग्रैंडफादर्स क्लॉक which beats each use a long pendulum which could beat once a second allowed the use of long pendulum which could beat once a second so uh, so we use long pendulum सो लॉन्ग पेंडुलम विच बीट्स ईच सेकेंड ओके सो आंसर था यहाँ पे ये किन्ों ने बनाया था इंग्लैंड ने सो इंग्लिश सो इसलिए आंसर आ जाएगा डी ठीक है सो कंप्लीट हो जाता है हमारा आंसर डी बी एफ ई बी एफ डी ए

एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द यू एस एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द यू एस ए सो ओके लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स हैं दैन ट्रू और फॉल्स हैं सो हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स हम साथ में देखेंगे ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स चलो आपको अगर विजिबल नहीं है तो हो जाएगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द यू एस एंड एक्सीडेंट दैट अकर्ड इन द स्काईज ओवर द ग्रैंड कैनन इन कैन इन नाइनटीन रिजल्टेड सिक्स इन ए ऑफ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सो एक एक्सीडेंट हुआ था अक्कर हुआ था स्काइज में यहाँ पे 1956 में इसके बाद इस्टेब्लिश किया गया फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन टू रेगुलेट एंड ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन द स्काइज ओवर द यूनाइट स्टेट्स ठीक है रेगुलेट करने के लिए और देखने के लिए बेसिकली एयरक्राफ्ट जो है स्काईस और यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे रेगुलेट करना है उसके लिए सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पैराग्राफ बी का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है टेंथ सो टेंथ हम यूज नहीं करेंगे सो ओके डिसबेइंग एफ एफ ए एविएशन डिजास्टर प्रॉम्प्ट एक्शन एविएशन डिजास्टर क्या होता है एविएशन क्या होता है सो so, जो भी एयरवेज uh, होते हैं एयर के एयरवेज मतलब जो भी एयरप्लेन फ्लाई करते हैं उसको एविएशन इंडस्ट्री बोला जाता है सो एविएशन डिजास्टर प्रॉम्ट एक्शन डिजा ठीक है सो so, बेसिकली ये आंसर हो सकता है इसका टू को इनसाइडल डेवलपमेंट्स सेटिंग एल्टीट्यूड जोन्स एंड ओवर सिंप्लीफाइड व्यू controlling points license defining airspace category setting rules setting rules to weather conditions taking on safety so we can say answer is second नेक्स्ट है रूडीमेंट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूडीमेंट्री होता है थोड़ा ओल्ड और जो एकदम बेसिक हो जिसमें कुछ नया एडवांसमेंट ना हो सो रूडीमेंट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोल एग्जिस्ट वेल बिफोर द ग्रैंड कैनन्स डिजास्टर एज अर्लीस नाइनटीन ट्वेंटी सो रूडीमेंट्री मतलब बेसिक कंट्रोल था उन्नीस सौ बीस में भी द एफ ए वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जेट इंजिन दैट वॉज एफ ए एफ एफ ए क्रिएट किया था क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रास वो हुआ था तो ये तो हो गया नो डिजास्टर हुआ था इसलिए एफ एफ ए बना था एयर कंट्रोल स्टार्टेड आफ्टर द गैन कैन क्रैश इन 1956 ये भी नो no हो जाएगा ये नो no क्यों हो जाएगा क्योंकि वो बोल रहे हैं एयर कंट्रोल स्टार्ट हुआ था आफ्टर द क्रैश लेकिन ये बोल रहे हैं कि ट्वेंटी को तो पहले ही था एयर कंट्रोल का कुछ बेसिक एग्जिस्ट करता था बीकन्स एंड फ्लैश लाइट्स सो बीक एंड फ्लैश लाइट्स को देखेंगे what is happening beacons and flashlights some improvements were made in ratio communication radio communication so radio communication class f airspace in which okay class f airspace

सो इसमें से हमें सेकेंड तो सॉल्व नहीं करना है तो हम ये बाद में देखेंगे रेडियो कम्युनिकेशन वॉज कमिंग इन टू द कमिंग इन फॉर द ए टी सी वॉज रेडियो सम इम्प्रूवमेंट्स वर मेड इन रेडियो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू रेडियो However, very pu uh, purely visible system was uh, useless in bad weather and by 1930 radio communication was coming in into use for ATC. so 1930 radio communication uh, at first region of have something approximate at first region to have something approximately today ATC was New York City with other major metropolitan areas following soon after. ठीक है तो पहले जो जो फर्स्ट द फर्स्ट रीजन टू हैव समथिंग अप्रोक्सिमेटली टू डेज ए टी सी वॉज न्यूयॉर्क सिटी तो पहला जो सिटी था न्यूयॉर्क सिटी था जिसके पास आज मतलब आज जैसा कुछ सिस्टम था रेडियो सिस्टम था इन द नाइनटीन फोर्टी ए टी सी सेंटर कुड एंड डिड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूली डेवलप्ड रडार एंड एम्प्रूव रेडियो कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है तो यहां पे हमें पता लगता है कि 1940 में ए को इंप्रूव्ड रेडियो कम्युनिकेशन मिला जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ आया था वट इज हैिंग सो दैट मीन्स सम इम्प्रूवमेंट्स ओर ओके सो दिस इज येस Full-scale regulation of America's airspace took place, and it was fritocious uh, for the advent of the jet engine. Suddenly, resulted in a large number of very fast planes. Uh, so, so. Sirf uh, FFA FAA create kiya gaya, full-scale regulation uh, of America airspace. हुआ मतलब टुक प्लेस उस उसका मतलब ये स्टार्ट हो गया एंड इट uh, उसी समय ये जो जेट इंजन्स थे सडनली ये भी उसी समय रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ वास्ट फास्ट सो ये भी उसी समय आए थे जिसकी वजह से फास्ट प्लेन्स भी आ गए थे रिड्यूसिंग पायलट्स मार्जिन ऑफ एरर एंड पर्टिकुलरली डिमांडिंग सम सेट ऑफ रूल्स टू कीप एवरी वन वेल सेपरेटेड एंड ऑपरेटिंग सेफली इन द एयर तो तो उसी टाइम फास्ट स्पेड्स वो भी आ गए थे प्लेन्स भी आ गए थे जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि अच्छी तरह से वेल सेपरेटेड और ऑपरेटेड सेफ्टी मेजर्स चाहिए एयरप्लेन के लिए सो थर्ड आंसर हम टिक कर सकते हैं टू को इनसाइडल डेवलपमेंट्स ये क्यों क्योंकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई एक साथ सो so, एफ जो पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया बड़े लेवल पे वास्ट लेवल पे और सेम टाइम जेट इंजन भी उसी समय आए थे जब फास्ट हो गए थे एयर ट्रेवल ओके मैनी पीपल थिंक दैट ए टी सी ए रो ऑफ कंट्रोलिंग सिटिंग रो ऑफ कंट्रोलर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देर स्क्रीन एट द नेशनल एयरपोर्ट टेलिंग अराइविंग एंड डिपार्चर ट्रैफिक व्हाट टू डू बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि ए टी सी क्या है एक कुछ हैं रो में बैठे हुए फ्रंट ऑफ द रेडार और स्क्रीन के रेडार नेशनल एयरपोर्ट पे और वो आने और जाने वाली ट्रैफिक को बताते हैं मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है पिक्चर तो ये बड़ी इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द पिक्चर था मतलब ऐसा था लेकिन पूरा नहीं था इनकम्प्लीट था सो हम बोल सकते हैं इसको दिन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू देर वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू फाइव सो डी का आंसर हो गया फाइव ई पैराग्राफ to meet this uh, united states would at any time have many different kinds of planes flying from many different purposes in a variety of weather conditions and the same kind of structure was needed to uh, accommodate all of them to meet these challenges the following elements were put into effect first atc extended over virtually the entire united states तो इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए ए को पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक, एक्सटेंड कर दिया गया इन जनरल 365 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हायर द एंटायर कंट्रीज़ ब्लैंकेटेड बाय कंट्रोल एयर स्पेस इन सर्टेन एरियाज मेनली नियर एयरपोर्ट्स कंट्रोल इज पर एक्सटेंडेड डाउन टू 215 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इन द इमीडिएट विटी ऑफ एन एयरपोर्ट ऑल द वे डाउन टू द सर्फेस ठीक है सो so बेसिकली कुछ कंट्रोल्ड एयर स्पेस इन्होंने बताए हैं कि 365 अबव द ग्राउंड उन्होंने कुछ एरिया मार्क कर दिया फिर जो एयर प्लेन के पास था उसको 250 मीटर तक कंट्रोल किया और जो बिल्कुल एयर जो एयरपोर्ट्स के पास है एयर स्पेस के पास है तो उसको सरफेस तक कंट्रोल कर दिया कंट्रोल एयर स्पेयर इज़ दैट स्पेस एयर स्पेस इन विच एफ टी एफ ए रेगुलेशन अप्लाई तो ये बेसिकली एरियाज़ वो थे जहाँ पे एफ़ टी ए रेगुलेशन अप्लाई अप्लाई होती हैं सो so, ई e, सेटिंग एल्टीट्यूड जोन सो हम क्यों बोल सकते हैं ये सेटिंग एल्टीट्यूड जोन क्योंकि एल्टीट्यूड हाइट ही होता है और ये जो पोर्शन है ये हाइट ही बता रहे हैं कि बेसिक इतनी हाइट तक कंट्रोल होगा इतनी हाइट तक कंट्रोल होगा सो so, इसलिए आंसर फोर्थ इसका हो जाएगा ओके okay. सो so, ये कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज दैट स्पेस यहां पे एफ ईर रेगुलेशन अप्लाई करती हैं एल्स वेयर इन अनकंट्रोल स्पेस पायलट्स वर बाउंड बाय फ्यूर रेगुलेशन वहाँ पर जहाँ पे अनकंट्रोल था वहाँ पर पायलट्स को कोई रेगुलेशन करने की मतलब फॉलो करने की जरूरत नहीं बहुत कम थी इन दिस वे री क्रिएशनल पायलट्स हु सिम्पली विशेज टू गो फ्लाई फॉर अ वाइल्ड विदाउट ऑल द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई एज ओनली अटे इन अनकंट्रोल एयर स्पेस बिलो सिक्स फिफ्टी थ्री सिक्सटी फाइव मीटर वैल द पायलट हु डज़ वॉन्ट टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन अफोर्ड बाई ए टी सी कैन ईजीली एंटर द कंट्रोल स्पेस सो so बेसिकली जिनको एफ के रेगुलेशंस के आ, अंदर आना था तो, आ, तो उनको उस पर्टिकुलर या तो अनकंट्रोल्ड तो वो कंट्रोल्ड एरिया में चलाएंगे जो नहीं वो अनकंट्रोल्ड एरिया में चला सकते हैं द एफ देन दैन रिकोगनाइज टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स इन गुड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन मेट्रोलॉजिकल होता है वेदर कंडीशंस फ्लाइंग वुड बी परमिटेड अंडर विजुअल फ्लाइट रूल्स वी विच सजेट्स ए स्ट्रॉन्ग रिलायंस ऑन विजुअल क्लूज टू मेन्टेन एंड असेप्ट लेवल ऑफ सेफ्टी तो जो देख सकते हैं तो फोर ईजिली वो मैनेज कर पाएंगे पोअर विजिबिलिटी नेसेसिटेटेड ए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स आई एफ आर तो वो इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट फ्लाइट रूल्स लगते थे यहाँ पे पोअर विजिबिलिटी हो अंडर विच द पायलट रिलाई ऑन एल्टीट्यूड एंड नेविगेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्लेन्स इंस्ट्रूमेंट्स पैनल टू फ्लाई सेफ्टी ठीक है सो so बेसिकली इसकी जो होगी ओके सो वी कैन से सेटिंग रूल ऑफ वेदर कंडीशंस सो वेदर कंडीशंस के लिए रूल सेट किए थे तो अगर पोअर विजिबिलिटी हो या अच्छी विजिबिलिटी हो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की बेस पे जो रूल सेट किए गए थे एट्स पैराग्राफ जी ओके सो इसमें दो चीजें जो बताई गई हैं बताई गई हैं वो है वी विजिबिलिटी यहां पर थी और जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स थे ऑन क्लियर डे पायलट कंट्रोल एयर स्पेस कैन चूज़ वी एफ आर ओ एफ आर फ्लाइट पैन ठीक है सो so, यहाँ पे वी एफ आर ओ एफ आर के बारे में बताया होगा एयर वी कम्स क्लास एफ वगैरह बीकेंग फ्लैशिंग फ्लैशेस भी नहीं आए अभी ओके अभी जी भी पड़ा है कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिवाइडेड इन टू सेवरल डिफरेंट टाइप डिज़ाइंड बाई लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिज़ाइंड क्लास एफ वाइल द कंट्रोल्ड एयर स्पेस बिलो फोर नाइन फाइव जीरो मीटर अबव सी लेवल एंड नॉट इन दिसनिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज क्लास ईके सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज बताई गई हैं कि ये इस क्लास में एडजस्ट होगा ये इस क्लास में एडजस्ट होगा तो इसका जो आंसर होगा सो वी कैन सेट डिफाइनिंग एयर स्पेस कैटेगरी सेवन सो अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस कौन सी होगी क्लास एफ ठीक है सो so हम इसको मार्क करेंगे अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस इज डिजाइन क्लास एफ तो यहां पर क्लास एफ था क्लास एफ एयर स्पेस इज एयर स्पेस विच इज बिलो सिक्स थ्री सिक्स फाइव मीटर एंड नॉट नियर एयरपोर्ट अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस वोल अनक्रोल्ड कौन सा था इन जनरल फ्रॉम थ्री सिक्सटी फाइव अब द ग्राउंड एंटायर कंट्रीज ब्लैंकेड बाय कंट्रोल्ड स्पेस सो थ्री सिक्सटी फाइव के ऊपर कंट्रोल्ड था उसके नीचे कंट्रोल्ड नहीं था नॉट वर्किंग प्रॉपरली I don't know what has happened. So uncontrolled airspace. Okay, so the F uh, class F airspace is airspace which is below 365 and not near airports. So 24th. So my your visible name? ओके क्लास एफ एयर स्पेस इज एयर स्पेस विच इज बिलो थ्री सिक्सटी फाइव मीटर एंड नॉट एयरपोर्ट्स ठीक है तो क्लास एफ वो बोल रहे हैं वो एयर स्पेस है जो थ्री सिक्सटी फाइव के नीचे बिलो है और एयरपोर्ट के पास नहीं है सो तो बिल्कुल हम इसके क्या बोलेंगे यस आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है ओके हेडिंग्स हमारी कंप्लीट गई थी तो हम यहाँ पे स्टिक करते हैं One, two, and three. Class E, class C beckons and begins. Okay. While a control airspace below, if I, all aircraft in class E airspace must use AFR. Control airspace below, NA. अबव सी लेवल एंड नॉट इन दिसजिटी ऑफ द एयरपोर्ट इज क्लास ई ऑल एयर स्पेस अबव एन ए इज डिज़ाइंड क्लास ए सो बिलो फोर फाइव और नाइन मीटर सो फाइव पॉइंट मतलब साढ़े पाँच किलोमीटर के जो बिलो है सी लेवल level, level के वो क्लास ई e में आएगा और अबव फोर ये क्लास ए में चला जाएगा रीज़न फॉर डिवीजन ऑफ द क्लास ए एंड क्लास ए एयरक्राफ्ट स्टेम्स फॉर द टाइप ऑफ प्लेन्स ऑपरेटिंग इन दैम तो क्लास ई e और ए में डिफरेंस क्या है कौन तरह के किस तरह के प्लेन्स वहाँ पे चलते हैं जनरली क्लास ई एयर स्पेस इज वेयर वन फाइंडस ग्रेटर एविएशन एयरक्राफ्ट तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रेटर एविएशन एयरक्राफ्ट होते हैं ई e में फी ऑफ विच कम कैन क्लाइंब अबव एनी वे जो कुछ भी ऊपर भी जा सकते हैं अनकमर्शियल टर्बो Uh, टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट्स ठीक है इसमें एयरक्राफ्ट्स आते हैं एविएशन क्राफ्ट और कमर्शियल अब फाइव फोर नाइन जीरो मीटर इज द रे, हैवी जेट्स तो उसके ऊपर जो है वहाँ पे हैवी जेट्स का मतलब रीज़न है सिंस जेट इंजन ऑपरेट मोर एफिशिएंटली एट हायर एल्टीट्यूड द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड क्लास एयर स्पेस इज दैट इन क्लास ए ऑल ऑपरेशन ऑफ आई एफ क्लास ए that in class a all over operations of ifr and pilot must be instrument in, uh, rated uh, that uh, the skill and license in aircraft instrumentation the difference between class e and class a aircraft is that in class a skilled and licensed skilled and licensed in aircraft instrumentation

वी आर नॉट श्योर ये ए एफ आर में है नहीं है वट इज एफ आर वी हैव टू अडेंटीफाई एफ आर वी एफ आर आई एफ आर वेट इज ए एफ आर आई थिंक दिस इज नॉट ए एफ आर दिस इज आई एफ आर क्योंकि ए आर एफ आर यहाँ पे कुछ नहीं है सो विल टेक इट एस आई एफ आर ओके और वो हमें पता है द डिफरेंस बिटवीन कार सी एन क्लास ए एयरक्राफ्ट इज द्लास एज ऑपरेट ऑल ऑपरेशन आर आई एफ आर एम्प्ला एफ आर VFR. Okay, that can be VFR. What is VFR? On a clear day a pilot controlled. We'll see once what is VFR. VFR is a desk strong reliance on visual clues of maintenance of susceptible level of safety. In a way uh, which accommodates both VFR operations in the same airspace. However, pilots can only choose fly IFR

sorry true false like not a false pilot entered class c's airspace is flying over an average sized city class d and c and b govern the govern the vicinity of airport three other types of airspace class c d and d बी सी एंड बी गवर्न दिस एयरपोर्ट्स दीज कॉरस्पॉन्डन रगली टू स्मॉल म्यूनिसिपल मीडियम साइज मेट्रोपोलिटियन एंड मेजर मेट्रोपोलिटियन एयरपोर्ट्स रिस्पेक्टिवली एंड 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 कपास एंड इंक्रीजिंगली रेगर सेट ऑफ रेगुलेशन्स ठीक है सो मीडियम साइज मेट्रोपोलिटियन सिटीज से ये गुजरते हैं ठीक है सो दिस इज अगेन ट्रू तो ये भी यस नहीं है यहां पे हम यस नहीं लिखेंगे विल राइट ट्रू 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 आप इसको फुल फॉर्म में लिखना है टी नहीं लिखना बीकन्स वी आर बीकन्स ज नॉट हेयर हमने कहीं पर छोड़ा था आई थिंक वो हमने सेकेंड छोड़ा था ओके वाइल बीकन्स एंड फ्लैश लाइट्स वर प्लेस्ड अलॉन्ग क्रॉस कंट्री रूट टू एस्टेब्लिश द इजीएस्ट अर्लिएस्ट एयरवेस द पायलट Uh, beacons and flashlights are still used by the ATC today. वैसे यहां पे कोई भी नॉट गिवन नहीं आया तो हम इसे नॉट गिवन वैसे लगा सकते हैं वाइल बीक एंड फ्लैश लाइट्स वर प्लेस्ड अलॉन्ग अक्रॉसड अलॉन्ग अक्रॉस कंट्री रूटियस्ट एयरवे दिस प्योरलीजुअल सिस्टम वॉज यूजलेस इन बैड वेदर एंड बाय 1930 रेडियो कम्युनिकेशन वाज कमिंग और ठीक है सो so, बीकन मतलब पुराने जमाने में यूज़ करते थे लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं था अभी यूज़ करते हैं कि नहीं है ये हमें नहीं पता ये क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं पता सो इसलिए सो द आंसर इज नॉट गिवन आप पूरा लिखेंगे नॉट गिवन सो दीज आर द आंसर सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द रीडिंग पैसेज थर्ड आई अपोलॉजाइज एक्चुअली मेरा जो पेन है ड्राॅइंग पेन वो इतना एफिशियंटली वर्क नहीं कर रहा है सो आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स आई होप यू अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीपैथी इट्स ऑलरेडी फोर्टी थ्री मिनट्स सर कैन ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट बाय थाट्स अलोन क्या ह्यूमन बींग्स थाट्स के बेस पे कम्युनिकेट करते हैं फॉर मोर देन अ सेंचुरी द इश्यू ऑफ टेलीपैथी वॉज हैज डिवाइडेड दाइंटिफिक कम्युनिटी मतलब ऑलमोस्ट सौ सालों से इसने डिवाइड किया हुआ है साइंटिफिक कम्युनिटी को एंड इवन टूडे इट इज स्टिल इट स्टिल स्पाक्स बेटर कॉन्ट्रोवर्सी अमंग टॉप अकेडमिशन्स आज भी ये थोड़ा कड़वापन लगाता लाता है अकेडमिशियंस में ओके सो वी है टेलीपैथी के बारे में ये क्वेश्चन है तो विल we'll सी क्या सेक्शन है रिसर्चर्स विद डिफरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स टेलीपैथी एग्री ऑन ठीक है तो रिसर्चर्स जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं वो भी एग्री करते हैं किस पे रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन इंडिकेट्स तो मेडिटेशन की रिपोर्ट्स क्या इंडिकेट करती हैं एटीट्यूड ऑफ पैरा फिलोसोफी साइकोलॉजी सॉरी वुड ऑल्टर ड्रास्टिकली विद एटीट्यूड अ जो साइकोलॉजी पैरासाइकोलॉजिस्ट के वो अल्टर हो जाएंगे ड्रास्टिकली किससे चलो रीसेंट ऑटोगेज्ड जेनजी फील्ड ट्रायल्स सजेस्ट दैट सक्सेस रेट्स विल इंप्रूव विद तो ये हम देखेंगे कहाँ पे हैं सो so, सिंस 1970 द पैरासाइकोलॉजिस्ट एट लीडिंग यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव रिस्क्ड द Uh, derision of spectacle colleagues by putting the various claims for telepathy to the test in dozens of rigorous scientific studies. The result and their implications are divided in even. डि आर डिवाइडिंग इवन द रिसर्च हुवर्ड दम ठीक है बेसिकली बहुत सारी रिसर्च हुई है और uh, इस पूरी रिसर्च में जिन्होंने रिसर्च की उनके थॉट्स भी डिवाइड हो चुके हैं पता नहीं टेलीपैथी है नहीं है सम रिसर्चर से द रिजल्ट कंस्टिट्यूट कंपेलिंग एविडेंस द टेलीपैथी इज जेनुइन कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि हाँ भी टेलीपैथी जेनुअन है अदर पैरा साइकोलॉजिस्ट बिलीव द फील्ड इज ऑन द ब्लिंक ऑफ क्लास्प having tried to produce definite, uh, definitive scientific proofs and failed. दूसरे साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं द फील्ड इज ऑन ऑन द ब्लिंक ऑफ कल हैविंग ट्राइड टू प्रोड्यूस डेफिनाइट साइंटिफिक प्रूव एंड फील्ड तो उन्होंने काफी साइंटिफिक प्रूफ देने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए जो मतलब वो जो ये बिलीव करते थे कि द साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली ट्राइड टू प्रोड्यूज डेफिनेट साइंटिफिक प्रूवज इंड फील्ड कौन से साइकोलॉजिस्ट पारा साइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली सोच रहे थे कि टेलीपैथी खत्म हो गई है वो उन्होंने ट्राई की ये प्रूफ करने की फेल हो गए सेसेप्टिक्स एंड एडवोकेट्स अलाइक डू कॉन्कर ऑन द वन ईशू ठीक है तो एक चीज़ पे वो एग्री करते हैं ठीक है एडवोकेट्स ससेप्टिक्स होता है मतलब जो अगेंस्ट uh, है तो एक चीज़ पर वो एग्री करते हैं ऑन वन ईशू हाओ एवर दैट दो हाओ एवर दैट द मोस्ट इम्प्रेसिव एविडेंस ऑफ आर वॉर हैज कम फ्रॉम द सो कॉल्ड गेन गेन्ज फील्ड एक्सपेरिमेंट ए जर्मन टर्म दैट मीन्स होल फील्ड तो इस पर वो एग्री किए हैं डिस्कवरी ऑफ द मैकानिजम ऑफ टेलीपैथी द नीड टू क्रिएट अ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर टेलीपैथी देअर क्लेम ऑफ ए हाई सक्सेस रेट ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम पोस्ड बाय रैंडम गेसिंग ए सिग्निफिकेंस ऑफ द गेंजल्ड एक्सपेरिमेंट कैन फील्ड ए मोर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन नीड टू कीप अल्टरिंग कंडीशन सो विल सी ई इज दर आंसर ई इज द आंसर फॉर रिसर्चर्स एग्रीड ऑन के ठीक है दोनों एग्री कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट पे रिपोर्टिंग ऑफ टेलीपैथी एक्सपीरियंस हैड बाय द पीपल ड्यूरिंग मेडिटेशन लेड पारा टू सजेस्ट दैट टेलीपैथी माइट इन्वॉल्व सिग्नल्स पासिंग बिटवीन पीपल तो टेलीपैथी में इन्वॉल्व हो सकते हैं सिग्नल्स जो लोगों के बीच में पास होते हैं दैट वर सो फेंट दैट दे आर एक्चुअली स्वैंप्ड बाय नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी तो वो इतने फेंट होते हैं फेंट मतलब धुंधले से होते हैं कि वो नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी की वजह से वो स्वैप हो जाते हैं इन दिस केस सच सिग्नल्स माइट बी मोर इजीली डिटेक्टेड बाई दोज़ एक्सपीरियंसिंग मेडिटेशन तो वो ओके okay, तो वो सिग्नल्स सिर्फ वही डिटेक्ट कर सकता है जो एक्सपीरियंस कर रहा है मेडिटेशन लाइक ट्री क्विलिटी इन द रिलैक्सिंग होल फील्ड ऑफ लाइट साउंड एंड वार्म ठीक है सो बेसिकली मेडिटेशन को बताया है कि टोटली रिलैक्सिंग फॉर्म में होनी चाहिए तो जो रिलैक्सिंग जो मेडिटेशन करते हैं वो इस सिग्नल को रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग मेडिटेशन इंडिकेटेड ठीक है तो डिस्कवरी सो वी कैन से आंसर बी सो रिपोर्ट्स फॉर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस तो जो जो एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे जो बेसिकली उस पर यह पता लगा कि ड्यूरिंग मेडिटेशन इंडिकेट्स द नीड टू क्रिएट ए सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर टेलीपैथी अच्छा सुटेबल इन्वायरमेंट हो तो बेसिकली विल टेलीपैथी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है सो दिस इज द सेक्शन सो विल ट्राई द नेक्स्ट वन The Gisenfield field experience experiment. So let's see what is So There are blanks. Telepathy experi experiments. Okay. The Gazan field experiments tries to create these conditions with participating sitting in soft uh, reclining chains, uh, chairs. इन ए सील्ड रूम ठीक है तो बेसिकली अभी वे मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे क्रिएट करें तो वो वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते थे रिक्रिएट ऐसी कंडीशंस करते थे एक चेयर पे सील्ड रूम में पर्सन को चेयर पे बैठा के लिसनिंग टू रिलैक्सिंग साउंड और रिलैक्स साउंड सुनेगा वाइल देयर आईज़ आर कवर्ड विद स्पेशल फिल्टर्स लेटिंग इन ओनली सॉफ्ट पिंक लाइट ठीक है तो उसकी आईज पे बंद कर देंगे तो सिर्फ सॉफ्ट पिंक लाइट दिखेगी इन अर्ली फील्ड एक्सपेरिमेंट्स द टेलीपैथी टेस्ट इन्वॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पिक्चर चोजन फ्रॉम ए रेंडम सिलेक्शन ऑफ फोर टेकन फ्रॉम अ लार्ज इमेज बैंक ठीक है तो अर्ली जो टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट था उनमें इन्वॉल्व ए पर्सन एक्टिंग एज ए डैश विच पिक्स आउट वन डैश फ्रॉम ए रैंडम सिलेक्शन ऑफ फोर एंड ए डैश हुन ट्राइड टू आइडेंटिफाई इट हिट रेड्सर हायर दैन द रेंडम गैसिंग फ्लॉस पॉजिटिव रिजल्ट कुड बी प्रोड्यूसड बाई फैक्टर सच एज डैश और डैश result study in 1982 year to mention hai. 1982 in 1982 results from the first field studies were analyzed by one of its pointer the american psychologist charles Hunton. they pointed to typical hit rates of better than 30% a small effect but one which

सेंडर तो ये तो हो गया वो अटेम्प्ट टू बीम द इमेज ओवर टू द रिसीवर तो वो रिसीवर के पास इमेज सेंड करने की कोशिश करता था रिलैक्सिंग इन द सील्ड रूम जो कि एक सील्ड रूम में होता था वो पिक्ड आउट वन डैश वन पिक्चर फ्रॉम ए रैंडम सिलेक्शन ऑफ फोर एंड ए डैश

हिट रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट इफ़ टेलीपैथी इज़ रियल हाई एवर द हिट रेट वुड बी हायर ठीक है तो वो जो पर्सन था वो जब ये सेशन ओवर हो जाता था तो उसको पूछा जाता था कौन सी इमेज है चारों में से कौन सी इमेज को यूज़ किया गया तो अगर क्योंकि चार में से एक आंसर होगा तो चांसेस है कि 25 फाइव परसेंट हिट रेट होना चाहिए 25 परसेंट से आंसर होना चाहिए अगर ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है इन नाइनटीन एटी टू द रिजल्ट फ्राम द फर्स्ट गिजल्ट स्टडी वर एनाइज्ड तो नाइनटीन एंटी टू में ये जो फर्स्ट स्टडी हुई थी उसको एनलाइज किया बाय वन ऑफ इट्स पॉइंटर द अमेरिकन पैरासाकोलॉजिस्टार्स होर्स ने इसने एनालाइज किया दे पॉइंटेड टू टिपिकल हिट रेट ऑफ बेटर दैन थर्टी परसेंट तो उन्होंने कहा कि थर्टी परसेंट से ज़्यादा रेट हुआ है मतलब थर्टी परसेंट से ज्यादा चांसेज हुए हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी पिक्चर थी ए स्मॉल इफेक्ट एक छोटा इफेक्ट था बट वन विच स्टेटिस्टिकल टेस्ट सजेस्ट कुड नॉट बी पुट डाउन टू चांस ये छोटा इफेक्ट था बट हम ये ये नहीं, नहीं बोल सकते कि ये बाई चांस आ गया तो दैट मीन्स इसका मतलब है ये सजेस्ट करते हैं कि टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है हिट रेट्स वर हायर देन विद रैंडम गेसिंग पॉजिटिव रिजल्ट कुड भी प्रोड्यूस ओके फ्लॉ क्या था इसमें द इम्प्लीकेशन वॉज दैट द गजन फील्ड मैथड हैड रिसीव्ड रियल एविडेंस फॉर टेलीपैथी तो इस इंप्लीकेशन में रियल एविडेंस मिले थे टेलीपैथी के बट देर वॉज ए क्रूशल फ्लॉ बट यहाँ पे एक फ्लॉ था इन दिस आर्ग्यूमेंट ओके वी हैव अ फ्लॉ हेयर Crucial flaw in this argument. One routinely overlooked in more uh, uh, conventional ideas of science just because chance has been ruled out as an explanation did not prove telepathy must exist. There were many other ways of getting positive results. They range from sensory leakage, which where clues about the picture accidentally reached the receiver. टू आउट राइट फ्रॉड ठीक है तो बेसिकली इसमें वो बोल रहे थे कि पॉजिटिव रिजल्ट के कई तरीके हो सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल सेंसरी लीकेज भी हो सकती है तो यहाँ से लेके आउट राइट फ्रॉड आउट राइट फ्रॉड क्या होता है एकदम सीधा सी कोई फ्रॉड की है तो ये रेंज बताइए उन्होंने मतलब इस कई तरह कैसे ये पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता था फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो सेंडर है वो रिसीवर को किसी इशारे से बता दे या किसी तरीके से बता दे कि हाँ भाई ये वाली पिक्चर है तो फिर तो आंसर वो सही दे देगा कि हाँ ये वाली पिक्चर है तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैटर करते थे कि ये एक्चुअली स्टडी सही है कि गलत है सच एज डैश और डैश विल से सेंसरी लीकेज और लास्ट वन था सेंसरी लीकेज टू आउट राइट फ्लॉ और आउट राइट फ्रॉड ओके आई होप आपको ये विजिबल है ठीक है ऑटो गजल्ट स्टडी नाइनटीन एटी सेवन ऊपर एक क्वेश्चन बच गया था ऑटो गजल अभी आना है एटिट ऑफ पैरासो वुड ऑल्टर ड्रास्टिकली विल सी ऑटो ठीक है सो so कई तरह की यह गड़बड़ हो सकती थी यहाँ पे, जैसे सेंसरी से लेके आउट राइट फ्लोर तक In response, the researchers issued a review of all gazellefish studies done to 1985. 1985 तक जितनी भी study हुई उसका review किया, to show that 80% had found statistical significance evidence. 80% में अच्छे से, uh, significance evidence मिले, uh, that कि उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है. That they also agreed that there were still too many problems in the experiment. तो ये भी उन्होंने माना कि बहुत सारी problems है experiment में, which could lead to positive results. जिसकी वजह से positive results आ सकते थे. And they drew up a list of demanding new standard for फर्दर रिसर्च तो उन्होंने डिमांड किया हमें फर्दर रिसर्च करनी है आफ्टर दिस मैनी रिसर्चर स्विच डू ऑटोगेज टेस्ट बहुत सारे ऑटोगेटिजेड टेस्ट पर शिफ्ट कर गए ऑटोमेटेड वेरिएशन ऑफ द टेक्निक विच यूज कंप्यूटर्स टू परफॉर्म मैनी ऑफ द की टास्क तो उसमें कंप्यूटर परफॉर्म करते थे बहुत सारे टास्क डैश वर यूज फॉर की टास्क टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डैश इन कैरिंग आउट द टेस्ट सो डैश वर यूज तो क्या यूज करते थे वो कंप्यूटर्स तो क्यों यूज करते थे टू परफॉर्म मैनी ऑफ द की टास्क सच एज रैंडम सिलेक्शन ऑफ इमेज बाय मिनिमाइजिंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बाय मिनिमाइजिंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट द आइडिया वाज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लॉड रिजल्ट्स वर यूज़ फॉर की टास्क टू लिमिट द अमाउंट ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सो ह्यूमन बाकी नीचे लिख देते हैं इन्वॉल्वमेंट आई होप आपको विजिबल है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को लिमिट करने के लिए वो करते थे द रिजल्ट वर देन सब्जेक्टेड टू ए डैश ठीक है सो दे ट्राई टू मिनिमाइज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट वर स्टडीड बाय हॉर्नटन इन द मेटा एनालिसिस ए स्टेटिस्टिकल टेक्नीक फॉर फाइंडिंग द ओवरऑल रिजल्ट फ्राम ए सेट ऑफ स्टडीज ये पोर्शन क्या था रिजल्ट रिजल्ट वर देन सब्जेक्टेड टू ए डैश द रिजल्ट वर देन सब्जेक्टेड टू ए डैश रिजल्ट फ्रॉम हंड्रेड ऑफ एटलाइस वर स्टडीड बाय हॉर्जोन इन ए मेटा एनालाइजिस एट स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर फाइंडिंग द ओवरऑल दिजल्ट फॉर द सेट ऑफ स्टडीज दो लेस कंपेलिंग देन बिफोर आउटकम्स वर स्टिल इंप्रेसिव ठीक है तो उन सब जो फाइंडिंग्स थी उनका मेटा एनालाइजिज हुआ था सो द रिजल्ट वर देन सब्जेक्टेड टू सो विल राइट मेटा ए, मैटा एनालाइजिस एल वाई एस आई एस एनालाइजिस ठीक है ये क्या था एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक थी ओवरऑल रिजल्ट फाइंड आउट करने की दो लेस कंपेलिंग हालांकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे बट स्टिल इंप्रेसिव थे दो लेस कंपेलिंग देन बिफोर पहले से इतने अच्छे नहीं थे मतलब पहले से थोड़े कम थे लेकिन स्टिल वो इम्प्रेसिव थे मतलब उनका वो बता रहे थे कि टेलीपैथी है येट सम पैरासाइकोलॉजिस्ट रिमेन डिस्टर्बड बाई लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन इंडिविजुअल गजनपी स्टडीज फिर भी जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे वो क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी इस स्टडी में इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज थे डिस्टर्ब थे डिफेंडर्स ऑफ टेलीपैथी पॉइंट आउट दैट डिमांडिंग इम्प्रेसिव एविडेंस फ्रॉम एवरी स्टडी इग्नोर्स वन बेसिक स्टेटिसिकल फैक्ट ठीक है डिफेंड करते थे जो टेलीपैथी को वो ये कर रहे थे कि इसमें वन चीज़ की एक चीज़ की इग्नोरेंस है इट टेक्स लार्ज सैम्पल्स टू डिटेक्ट स्मॉल इफेक्ट वो बोल रहा है बहुत ज़्यादा सैंपल्स चाहिए छोटे से इफेक्ट को जानने के लिए इफ़ एज करंट रिजल्ट सजेस्ट टेलीपैथी प्रोड्यूस हिट रेट्स ओनली मार्जिनली अबव ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्सपीरियंस बाई चांस इट इट इज़ अनलाइकली टू बी डिटेक्टेड बाय अ टिपिकल गेजन फील्ड स्टडी इन्वॉल्विंग अराउंड फोर्टी पीपल ठीक है सो so, बोल रहे हैं कि छोटा चोट, सा रिजल्ट भी अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बहुत बड़ी रिसर्च मतलब काफी सारे रिजल्ट काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं तो अगर फोर्टी पीपल के बेस पर अगर हम ये नि, निचोड़ निकालें ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा का रिजल्ट है तो मे बी शायद ये एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है जिसके बेस पे हम ये कंक्लूजन निकालें ओनली वैन मेनी स्टडीज आर कंबाइंड इन ए मेटा एनालिज विल द फेंट सिग्नल ऑफ टेलीपैथी रियली बिकम्स अपेरेंट अपेरेंट मतलब क्लियर ठीक है अब जब हम बहुत सारी स्टडीज को इन मेटा एनालिज में कंबाइन करेंगे तभी ये जो सिग्नल है फेंट सिग्नल जो टेलीपैथी का हम बात कर रहे हैं वो क्लियर होगा एंड दैट इज वट रिसर्चर्स डू सीम्स टू बी फाइंडिंग और यही रिसर्चर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट वर पुट डाउन द डैश बेट बिटवीन डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट वर पुट डाउन

कंसिस्टेंसी बिटवीन द रिजल्ट टेस्ट बिटवीन डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट वॉज वो डाउन टू द फैक्ट दैट सैम्पल ग्राउंड ग्रुप्स जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए इस रिजल्ट को मतलब ऐसा बताया गया कि सैम्पल ग्रुप्स वर नाट डैश वर नॉट बिग और नॉट इनफ और नॉट बिग इनफ वी कैन से बिग और लार्ज इनफ So, इतने बड़े नहीं थे वो डीजल और डन सो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था रिसेंट ऑटोगेटिव ट्रायल्स रिसेंट जो ट्रायल्स थे Autogaz trials, nee ye tha ki. Okay. The claim of a higher success rate, the discovery of a mechanism for telepathy, a solution to the problem poised by random guessing, mm, a more careful selection of subjects, and need to keep altering conditions, and need to keep alternating conditions. Discovery of a gun. trials suggest that the rate will improve with. अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वट दे आर सर्टन नॉट व्हाट दे आर सर्टन नॉट फाइंडिंग हावर इन लार्ज हावर इज एनी चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट मोस्ट स्टिल टोटली रिजेक्ट द वेरी आइडिया ऑफ टेलीपैथी तो अभी तक उनकी जो साइंटिस्ट की मैंटेलिटी वो चेंज नहीं हुई वो अभी भी बोल रहे हैं कि टेलीपैथी नहीं है द प्रॉब्लम स्टेम्स एटलीस्ट इन पार्ट फ्रॉम द लैक ऑफ एनी प्लॉजिबल मकेनिज्म फॉर टेलीपैथी तो अभी तक कोई मकैनिज्म ऐसा नहीं है बिलीवेबल मकैनिज्म नहीं है जिसपे को टेलीपैथी को हम बता सकें कि ऐसे टेलीपैथी होती है वेरियस थ्यूरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड बहुत सारी थ्यूरीज हैं मैनी फोकसिंग ऑन इसोटेरिक आइडियाज़ फ्राम थ्रोरेटिकल फिजिक्स बहुत सारी इसोटेरिक जो मे बी कुछ पर्टिकुलर आइडियाज हो सकते हैं थ्रेटिकल फिजिक्स से दे इंक्लूड क्वांटम एंटेंगलमेंट ओके जो क्वांटम एंटेंगलमेंट इसमें इंक्लूड है इन विच इवेंट्स अफेक्टिंग वन ग्रुप ऑफ एटम्स इंस्टेंटली अफेक्ट अनदर ग्रुप ठीक है उसमें यह बताया है कि अगर एक ग्रुप के एटम्स में कुछ होता है तो दूसरे ग्रुप के एटम्स में भी वही फर्क पड़ता है नो मैटर हाउ फार अपार्ट दे मे बी डजन मैटर वो कितनी दूर हो एक दूसरे से वेल साइकेट्रिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एनलाइटनमेंट इंटेंगलमेंट विद स्पेशली प्रपेयर्ड एटम्स नो वन नोज इफ इट ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ऐटम्स मेकिंग अप ह्यूमन माइंड्स ठीक है हालाँकि साइंटिस्ट ने ये ये एक्सपेरिमेंट की है लेकिन ये नहीं पता कि एटम्स ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं आंसरिंग सच क्वेश्चन वुड ट्रांसफॉर्म आंसरिंग सच क्वेश्चन वुड ट्रांसफॉर्म पैरासाइकोलॉजी ओके सो अगर इसके आंसर मिल जाएँ कि बेसिकली जो एटम्स ह्यूमन माइंड में हैं तो फिर ये जो पैरासाइकोलॉजी के जो जो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एटीट्यूड ऑफ ट्रांस पैरासाइकोलॉजी वुड ऑल्टर ड्रास्टिकली विद द डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म फॉर द टेलीपैथी ये बिल्कुल जी ये सही आंसर है ए सो so जो जैसे ही कोई मैकेनिज्म मिल जाता है टेलीपैथी का तो फिर उनके जो व्यूज हैं वो Uh, मतलब पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे दिस हैज़ प्रोमटेड सम रिसर्चर्स टू आर्ग्यू दैट फ्यूचर लाइज नॉट इन कलेक्टिंग मोर एविडेंस फॉर टेलीपैथी बट इन प्रो प्रोबिंग पॉसिबल मकैनिज्म ठीक है सो so, uh, मतलब इस इस मतलब इसमें यह पता लगता है कि मो ज़्यादा एविडेंस नहीं चाहिए कोई मकैनिज्म चाहिए जिससे हम टेलीपैथी को इस्टेब्लिश कर समय सम वर्क वर्क हैज़ बीन बिगन ऑलरेडी कुछ काम शुरू हो गया विद विदर्चर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन ऑटोगेज फील्ड ट्रायल्स ठीक है तो कुछ रिसर्चर्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे इस स्टडी में अर्ली रिजल्ट शो दैट क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक पीपल डू मच बेटर देन एवरेज ठीक है सो so कुछ रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक पीपल हैं वो काफ़ी अच्छा बेटर काम करते हैं इन सच स्टडीज द यूनिवर्सिटी ऑफ ऐसी एक स्टडी में इन वन स्टडी यूनिवर्सिटी में म्यूजिशियंस अचीव हिट रेट ऑफ फिफ्टी सिक्स परसेंट सो म्यूजिशियंस ने फिफ्टी सिक्स परसेंट की सक्सेस मिली उन्हें परहैप्स मोर टेस्ट लाइक दिस विल इवेंचुअली गिव द रिसर्चर्स द एविडेंस दैट दे आर सीकिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द केस फॉर एक्सटिंग ऐसे रिजल्ट और चाहिए तो फिर ठीक है जो रिसेंट ये जो ट्रायल्स हुए थे विल इम्प्रूव विद द क्लेम ऑफ आयर सक्सेस्यूशन टू द प्रॉब्लम पोज बाय रैंडम गैसिंग नीड टू कीप ऑल्टरिंग कंडीशन विद अ मोर केयरफुल सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स तो इसमें हम जो आंसर दे सकते हैं वो है एफ एफ क्यों क्योंकि ये जो रीसेंट स्टडी है इसमें पता लगा है जैसे क्रिएटिव पीपल होते हैं जो आर्टिस्टिक या होते हैं तो ये नीचे यहाँ भी एक एग्जांपल भी ली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे म्यूजिशियंस का जो सक्सेस रेट था वो ज़्यादा था टेलीपैथी में तो अगर हम सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से केयरफुली सेलेक्ट करें तो हमें अच्छे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं ये हमें जो जो रिसेंट ट्रायल्स हुए हैं उनमें पता लगा सो इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन वन आर वन और सेवन मिनट्स सो आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हो गई होगी थैंक्स